सियासत जब जरूरत हो नया रिश्ता बनाती है। सियासत जब जरूरत हो नया रिश्ता बनाती है, कोई कितना मुखालिफ हो उसे अपना बनाती है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी यानी कांग्रेस इस वक्त अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस अंदर ही अंदर खोखलेपन की शिकार होती जा रही है। इनके नेता सड़क पर उतरने को तैयार नहीं, रातों रात सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन कांग्रेस के राज दरबाज को भनक तक नहीं होती है। कांग्रेस इस वक्त अपनी अजीबोगरीब उलझनों में है, या यूं कहें कि कांग्रेस एक कंफ्यूजन पार्टी बन चुकी है, जिसमें मुखिया कौन इसका अता पता ही नहीं है। कांग्रेस को कौन राय मशवरा दे रहा है, कौन किसको चला रहा है, इसका भी कोई अता पता नहीं। मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई तब भी उसकी वजह अंदरूनी खींचतान थी। कर्नाटक की सरकार गिरी तब भी, और आखिरकार पंजाब गिरते गिरते रह गया, लेकिन पंजाब में कांग्रेस अंदर खाने लड़ती हुई नजर आई। सिद्धू और अमरिंदर की लड़ाई कई बार दिल्ली तक आई, लेकिन कोई भी काबिले तारीफ फैसला नहीं सुनाया गया। आखिरकार कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। वहीं सीनियर लीडर कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर लोग ऐसे ही पार्टी छोड़कर जाते रहे तो फिर कांग्रेस का क्या होगा। अब कांग्रेस की राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक, आखिर कब तक कांग्रेस अंधे बैल की तरह दौड़ती रहेगी और आने वाले दिनों में क्या होगा कांग्रेस का अंजाम। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुले तौर पर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ कांग्रेस जरूर छोड़ रहे हैं। एनडीटीवी में खास बातचीत में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो जल्द ही कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, अब बेइज्जती सही नहीं जाती है। वहीं पार्टी छोड़ने से पहले ही अमरिंदर सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस को हटा दिया है। एनडीटीवी को अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अभी तक मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन कांग्रेस में नहीं रहूंगा, मैं इस तरह का सलूक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। कैप्टन ने कहा कि 50 साल बाद मेरी विश्वसनीयता पर शक किया जा रहा है, यह हरकत बर्दाश्त के लायक हरगिज नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। अचानक 10 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। विधायकों के इस कदर दिल्ली कूच के मायने निकाले जा रहे हैं। सिंहदेव बोले, हम जब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या चर्चाएं हो रही हैं, बदलाव की बात है तो यह हो सकता है या नहीं यह देखना होगा, मगर यह बात अब खुल गई है। वहीं कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, यह सोचने की जरूरत है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में इस वक्त कोई अध्यक्ष नहीं है, नहीं पता कौन फैसले करता है, हम जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं, हम ऐसी परिस्थिति में क्यों हैं, इसके लिए CWC की बैठक बुलाई जाए ताकि अंदर खुलकर बात हो जो सार्वजनिक रूप से नहीं हो सकती। अगर पार्टी में अध्यक्ष हो और चुनी गई CWC हो तो ऐसी नौबत नहीं आती। देश हो या पार्टी, सत्ता का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा, मैं अपने जैसे कई और कांग्रेसी नेताओं के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने पिछले साल अध्यक्ष पद और चुनाव CWC के चुनाव को लेकर चिट्ठी लिखी थी। आज कांग्रेस की हालत ने मेरा दिल तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि देश इस वक्त कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। चीन हमारी सीमा में आ रहा है, अफगानिस्तान को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल है, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है, हमें लड़ने की जरूरत है, हमारे नेता हमें छोड़कर जा रहे हैं। कपिल सिब्बल कहते हैं कि जितिन प्रसाद को मंत्रालय मिल गया, हमारे गोवा के पूर्व CM TMC में चले गए, हरियाणा और यूपी में कुछ लोग दूसरी पार्टी में चले गए, सवाल ये है कि ये लोग क्यों जा रहे हैं, हमें सोचना होगा कि हमारी भी कोई गलती होगी। अभी हमारे पास अध्यक्ष नहीं है,
सिब्बल ने कहा कि सुष्मिता देव फेलेरो, जितिन प्रसाद सिंधिया, अभिजीत मुखर्जी, ललितेश त्रिपाठी चले गए, ये लोग क्यों छोड़कर जा रहे हैं। पंजाब में सियासी हड़कंप पर उन्होंने कहा कि वे पंजाब पर नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो सीमावर्ती राज्य है, वहां अनिश्चितता से ISI को फायदा होगा, पाकिस्तान और ISI उसका सीधा फायदा उठा सकता है। जो बड़े मुद्दे हों उनको लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं से बात करनी चाहिए, पार्टी में संवाद होना चाहिए। दरअसल कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है, पहले तो बड़ी पार्टी होने का रौब झाड़ती है, फिर उसकी क्षेत्रीय पार्टियों के जैसा भी नहीं रह जाता है। छोटे छोटे दलों से गठबंधन करने के बजाय अकेले लड़ने की जोखिम ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। कांग्रेस के सारे फैसले घूम फिर कर गांधी परिवार पर ही टिक जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस को बड़ा बनने के लिए उसे अपनी सोच भी बड़ी रखनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों के मुकाबले कांग्रेस का ग्राफ दिनों दिन गिरता ही जा रहा है। आने वाला यूपी चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। और चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन वाली घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को, हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।